एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिंदू तख्त के राष्ट्रीय प्रचारक वीरेश शांडिल्या को पाकिस्तान के दो अलग अलग नंबरों से जान से मारने की धमकी मिली है। बता दें कि व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज के जरिए आने वाले 10 दिन के अंदर धमाके में उड़ाने की धमकी भी वीरेश शांडिल्या को मिली है, जिसके बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर इस मामले की जाँच शुरू कर दी है। मैं ज्यादा ये नहीं कहता, धमाका हो रहा नया, उसका इंतजार कर, उसके अंदर तू भी ना मारी जाए, तू भी मारा जाएगा। निशाना बहुत है मेरा, तेरे टिक्के ते मारनी, देख पैर पाड़ के लंघ दी। तगड़ा रवी अज, तगड़ा रवी। थोड़े दिनों वास्ते खामोश हो जा, थोड़े दिनों वास्ते ताड़ी पै। ISI ने कहा खामोश हो जाओ थोड़े दिन, इन्हों की भैन को खामोशी ना लिया देना, ताड़ी भैन ऐसा रखना। पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया लगातार 20 साल से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। मेरा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया देश में पहला एक ऐसा संगठन है जो दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक आतंकवाद के खिलाफ रथ यात्रा लेके गया 2002 में। हम दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक पाकिस्तान के झंडे जलाते गए। हम लश्कर ए तोयबा का लगातार विरोध करते हैं, ISI का विरोध कर रहे हैं, बब्बर खालसा का विरोध कर रहे हैं, खालिस्तान का विरोध कर रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये संगठन मुझे जो है खत्म करने के लिए, मुझे मौत के घाट उतारने के लिए, मेरे परिवार को मारने की धमकियां देकर मुझे डराने का प्रयास करते हैं, जिसको लेकर कई मुकदमे दर्ज हुए। और दो दिन पहले फिर इस तरह की मुझे धमकी मिली कि तुझे जो है तिलक के ऊपर, जो तू तिलक लगाता है इसके ऊपर तेरे गोली मारेंगे, हम तुझे 10 दिन के अंदर अंदर मौत के घाट उतार देंगे, हम ISI के लोग हैं जो है बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। तो इसको लेकर मैंने पुलिस को कंप्लेंट दी, FIR दर्ज होगी। लेकिन मैं उन संगठनों को दो टूक कहना चाहता हूं कि वीरेश शांडिल्या सिर्फ राज्य सरकार से, देश के गृह मंत्रालय से इतनी मांग करता है कि मेरे साथ निर्दोष लोग मौत के घाट जो है ये आतंकी संगठन उनको ना उतार सके, निर्दोष लोग ना मरे। मैं तो ये चाहता हूं कि मेरी जो शहादत हो देश की एकता और अखंडता के लिए हो, मातृभूमि के लिए हो, मैं वीर गति प्राप्त करते हुए देश के लिए शहीद हूं। मैं ऐसी सोच पर पहरा दे रहा हूं और जब तक जो है देश में आतंकवाद का समूल नाश नहीं हो जाता तब तक मेरी मूवमेंट जारी रहेगी। मैं गिद्दड़ धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। किस संगठन से धमकी मिली है? लश्कर ए तोयबा के आतंकी संगठन है, पाकिस्तान के आतंकी संगठन है। पुलिस ने मेरी जो मुझे वॉइस मैसेज आया कि तेरे माथे के ऊपर गोली मारेंगे और तुझे 10 दिन के अंदर अंदर मार देंगे, इस तरह की जो धमकियां वॉइस मैसेज थे मैंने पुलिस को सौंप दिए थे, तमाम धमकियां जो मेरे मोबाइल नंबर पर आई, और पुलिस ने उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हुए उस पर कल रात FIR दर्ज की। FIR में हाफिज सैयद का भी जिक्र किया आपने, प्रोफाइल फोटो को, उसको क्या मामला है? जो मुझे जिस टेलीफोन पाकिस्तान के जिस नंबर से मुझे धमकी आई उसमें जो प्रोफाइल फोटो थी वो हाफिज सैयद के साथ लगी हुई थी, धमकी देने वाले की, कौन था ये तो जांच का विषय है। लेकिन जो 26/11 का मुख्य आरोपी है, जो षड्यंत्रकार है हाफिज सैयद, जो लश्कर ए तोयबा का प्रमुख है, जिसने मुंबई में 26/11 हमला करवाया, जो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है इंडिया का, उसके साथ धमकी देने वाले की फोटो लगी हुई है। पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट है? हम जो FIR कर दी जाती है हर बार आप तो नहीं, दुख की बात है कि पुलिस संज्ञान तो लेती है, पुलिस संज्ञान लेती है, नो डाउट। लेकिन ये धमकी देने वाले कौन लोग हैं, ये धमकी वाले किस संगठन से जुड़े हुए हैं, मैं पुलिस को मैसेज देता हूँ, पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करती है। पुलिस की कार्य प्रणाली से मैं कहीं मैं मुझे असंतोष नहीं है। लेकिन मैं देश की आईबी से पूछना चाहता हूँ कि मेरे मोबाइल पर लगातार धमकियां आ रही हैं, मुझे कॉल्स आ रही हैं, पाकिस्तान की कॉल्स आ रही हैं। पीछे जो है भिंडरांवाला समर्थक पकड़ा गया, उसको अरेस्ट करके लाई यमुनानगर से, वो FIR दर्ज है, अनेक FIR दर्ज है। तो मैं ये आईबी से मांग करता हूँ, देश की NIA से मांग करता हूँ कि वो इसकी तय तक जाए कि ये धमकी देने वाले कौन है। ये हमें कहीं ना कहीं हमें डरा कर, धमका कर, हमें हमारे परिवारों को मौत के घाट उतारने की धमकी देकर हमें इस मूवमेंट को रोकने के लिए प्रेरित कर दें कि ये रुकें, डर जाएं। लेकिन वीरेश शांडिल्या ना डरा है ना झुका है, वो मरने के लिए तैयार है। वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की सोच पर पहरा देता है, हम फांसी के फंदे टूट जाएंगे, हम बमों से उठने के लिए तैयार है। लेकिन मेरे साथ निर्दोष लोग कल को मेरे ऊपर ब्लास्ट हो जाए, देश में किसी भी हिस्से में ब्लास्ट हो जाए, मैं पूरे देश में घूमता हूं, तो मेरे साथ निर्दोष लोग मौत के घाट ना उतार जाए।